भी नंबर वन स्पॉट, कितनी मेहनत, कितनी मुश्किलें और आखिरकार नंबर वन, कैसा देखते हैं इसको? सबसे पहले तो सारी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके साथ आई थिंक क्रेडिट सिर्फ प्लेयर्स का नहीं है, उन तमाम मैनेजमेंट का जिन्होंने इसमें अहम रोल प्ले किया, तमाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हायर ऑफिशल्स जिन्होंने सही फैसले लिए, उसके बाद तमाम सिलेक्टर्स जिन्होंने बेहतरीन टीम सिलेक्ट की। बिकॉज आई स्टिल बिलीव कि ये किसी एक बंदे को क्रेडिट देना ये नाकाफ़ी होगा। तो ये तमाम वो लोग जो इस पूरे इन्वायरमेंट के अंदर शरीक थे, जिन्होंने इसमें अपना अपना हिस्सा डाला, तमाम प्लेयर्स जिन्होंने चाहे एक भी मैच पाकिस्तान के लिए इस पीरियड में खेला, ये उन तमाम की मेहनत का सिला है और हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। और इंशाल्लाह मज़ीद कोशिश करेंगे, मज़ीद मेहनत करेंगे कि इस स्पॉट को अपने पास रखें और वो तमाम चीज़ें जो हमारी आवाम हमसे चाहती है, हमारे फैंस पाकिस्तान के जो चाहते हैं, उसको हम लोग काफ़ी लंबे अरसे तक मेंटेन कर सकें। बहुत मुश्किल सिचुएशन हो गई थी जब मुझको ने टीम को संभाला, एज ए कैप्टन कैसा देखते हो आप उसे, कैसा कहते हो कि मतलब कितनी उसने यूनाइट किया, किसान लेके चले? देखिए सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो मिसबा को जाता है, क्योंकि जिस तरीके से मिसबा ने इस टीम को 2010 में, आई स्टिल बिलीव कि जब उस मिसबा ने एज ए कैप्टन स्टार्ट किया था, उस वक्त कंडीशन बहुत डिफरेंट थी, हम लोग अवे खेल रहे थे मुल्क से, बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स जो थे वो मिसबा के ऊपर हो रही थी उसकी कैप्टेंसी को लेके। लेकिन जिस तरीके से उसने एज ए कैप्टन तमाम चीज़ों को संभाला, तमाम प्लेयर्स को साथ लेके चला, कॉन्फिडेंस दिया, आई थिंक मेजर पार्ट ऑफ द नंबर वन स्पॉट जो है, जो ज़्यादा क्रेडिट है वो मिसबा को ज़रूर जाएगा। और बहुत मुश्किलात में हमारा साथ दिया, तमाम प्लेयर्स में एक दूसरे में इकट्ठे हुए, क्योंकि मुल्क से बाहर खेलना ये एक ऐसा डिफरेंट एक्सपीरियंस है जो मैं समझता हूँ कि जिसका जितना ज़्यादा क्रेडिट पाकिस्तान टीम को दिया जाए उतना कम है। साल के 10 महीने हम लोग मुल्क से बाहर होते थे और वहाँ बाहर रहने के बावजूद, होम सिकनेस के बावजूद, होम कंडीशंस के बावजूद, ये नंबर वन स्लॉट लेना इंटरनेशनल रैंकिंग में समथिंग वेरी स्पेशल। मोहम्मद हफीज़ से पूछा जाए कि इस थ्रू आउट में उनके बेस्ट इनिंग, बेस्ट मोमेंट कौन सा था, प्लस विन कौन सी देखते हैं टेस्ट में? आई थिंक हमारी टीम ने बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के कमबैक्स किए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। अगर आप पिछले 5-6 साल की क्रिकेट को अगर आप इकट्ठा करो, बड़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज दी हैं जिसमें तमाम प्लेयर्स ने बड़ी मेजर रोल प्ले किया। ऑब्वियसली मिसबा, यूनस, ये दो बड़े नाम हैं। असद शफीक ने बड़ा अहम रोल प्ले किया, अजहर अली ने बड़ा अहम रोल प्ले किया, तौफीक उमर ने बड़ा अहम रोल प्ले किया एज एन ओपनर, पहले 2-2.5 साल वो टीम के साथ थे। तमाम प्लेयर्स, और उसमें मेरी अपनी जो मैं समझता हूँ जो बेहतरीन परफॉर्मेंस थी वो अगेंस्ट इंग्लैंड थी, जो लास्ट सीरीज, क्योंकि वो हम पे बड़ा प्रेशर था, डेफिसिट था 70-80 रन का, वहाँ से हम लोगों ने एक अच्छा टोटल पोस्ट किया, तो मेरी वो इनिंग्स मुझे लगता है सबसे अच्छी थी। और बड़ा खुश हूँ, बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ अब इस टीम का हिस्सा होने पर। इस टीम की तमाम कामयाबियों में मैंने जितना भी थोड़ा बहुत इसमें हिस्सा डाला उस पर बहुत ज़्यादा फख्र महसूस कर रहा हूँ, और मज़ीद इंशाल्लाह मेहनत करता रहूँगा ताकि टीम के काम आ सकूँ, पाकिस्तान टीम को हम सब लोग मिल के नंबर वन स्लॉट पर इंशाल्लाह लग सकें। नंबर वन रैंकिंग आ गई, अब आप लोगों का आगे काफ़ी टफ सीरीज होता है न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, कैसे देख रहे हो, कैसे सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए चैलेंजेस तो हैं, जो मैंने आपको बोला कि इस टीम के जो यूनाइट होने की और करेक्टर शो करने की सबसे बड़ी मिसाल है वो ये है कि हम लोग होम में नहीं खेल रहे, और दुनिया की कोई भी टॉप टीम अगर होम में ना खेल ले और फिर उसकी अगर परफॉर्मेंस आउट अवे खेलते हुए अगर इतनी स्ट्रॉन्ग आए तो उसको मज़ीद क्रेडिट मिलना चाहिए। तो मुश्किल तो हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन जिस तरीके से इस टीम ने तमाम प्लेयर्स ने मिल के एक टीम बनाई है और हर एक सिचुएशन के अंदर कोई ना कोई प्लेयर सामने आता है और आके अपना रोल प्ले करता है और टीम को जितवाता है, तो आई थिंक ये जो कमिंग सीरीज़ भी हमारी आएंगी, जैसे इंग्लैंड की सीरीज़ मुश्किल थी लेकिन जिस तरीके से प्लेयर्स ने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, टीम ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, आई स्टिल बिलीव कि एज ए टेस्ट टीम इंशाल्लाह हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। दुनिया को बता दो।